नमस्कार शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट के एक्ट फिफ्थ का फर्स्ट सीन देखते हैं एंटर टच स्टोन एंड ऑड्रे। टचस्टोन और ऑड्रे प्रवेश करते हैं टच स्टोन वी शैल फाइंड अ टाइम ऑड्रे। हमें एक वक्त मिलेगा ऑड्रे। पेशेंस जेंटल ऑड्रे। धैर्य रखो अच्छी ऑड्रे। अभी इन लोगों की शादी नहीं हो पाई थी ना शादी होने वाली थी और उसमें बीच में विघ्न पड़ गया था तो इसी के लिए टचेस्टोनों से कह रहा है कि धैर्य रखो हमें वक्त मिलेगा हमारी शादी हो जाएगी और डे फेथ फेथ मतलब कि मुझे विश्वास है मैं आ, ऐसा मुझे ऐसा लगता है द प्रीस्ट वॉज गुड एनफ कि जो प्रीस था जो पुजारी था वो काफ़ी अच्छा था फॉर ऑल द ओल्ड जेंटलमैन सेंग फॉर ऑल फॉर का मतलब यहाँ है बावजूद ऑल जो कुछ भी द ओल्ड जेंटलमैन यानी उस बूढ़े महानुभाव यानी कि जेक्स ने जेक्स ने ही तो ठंड मार दी थी अच्छी खासी शादी हो रही थी जेक्स बीच में पहुंच गया कि ये प्रीस्ट अच्छा नहीं है तुम ऐसे शादी कर रहे हो तो जो ओल्ड जेंटलमैन यानी कि जेक्स ने जो कुछ भी कहा उसके बावजूद मुझे लगता है मेरा विश्वास है कि वो पुजारी अच्छा था टच स्टोन अ मोस्ट विकेट सर ओलिवर ये ओलिवर मार्टेक्स नाम था ना पुजारी का आपको याद होगा तो वो बड़ा दुष्ट था सर ओलिवर ऑड्रे अ मोस्ट वाइल मार्टेक्स वो बहुत बेकार मार्टेक्स था उसका पूरा नाम ओलिवर मार्टेक्स था तो उसको दो भागों में बांट दिया टच स्टोन ने और उसको दो बुरे से एडजेक्टिव दे दिए एक तो विकेट दे दिया एक वाइल्ड दे दिया दोनों ही ख़राब एडजेक्टिव हैं बट ऑड्रे लेकिन ऑड्रे देर इज़ अ यूथ एक युवक है हियर यहाँ पर इन द फॉरेस्ट जंगल में लेज क्लेम टू यू जो तुम्हारे ऊपर दावा करता है यानी उसका ये दावा है कि तुम उससे मोहब्बत करती हो ऑडरे हाँ आई नो मैं जानती हूँ इट इज़ कि ये कौन है ही हैथ नो इंटरेस्ट इन मी उसमें को मुझ में कोई रुचि नहीं है इन द वर्ल्ड मैं पूरे संसार की कसम खा के कहते हूँ या फिर इस संसार को देखिए तो उसको मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हियर कम्स द मैन यू मीन देखो वो आदमी यहीं आ रहा है जिससे तुम्हारा तात्पर्य है यानी जिसके बारे में तुम कह रहे हो कि वो उसको मुझसे मोहब्बत है वो आदमी खुद यहीं पर आ रहा है एंटर विलियम विलियम यहाँ प्रवेश करता है और यही वो आदमी है जिसको के ऑर्ड्रे में इंटरेस्ट है टच स्टोन इट इज़ मीट एंड ड्रिंक मीट एंड ड्रिंक मतलब ये बड़े खुशी की बात है टू मी मेरे लिए टू सी देखना अ क्लाउन एक मस्खरे को अब टच स्टोन खुद ही क्लाउन है लेकिन यहाँ पर वो विलियम को क्लाउन कह रहा है कि एक जोकर को एक मस्खरे को देखना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है बाय माई ट्रुथ मैं सच कहता हूँ वी देट हैव गुड विड्स कि हम लोग जिनके पास के अच्छी विट्स होती हैं यानी अच्छी बुद्धि होती है हैव मच टू आंसर फॉर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको उनका जवाब देना पड़ता है हमारे पास तो बुद्धि है हमें बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ता है वी शेल बी फ्लाउटिंग वी कैन नाट होल्ड फ्लाउटिंग का मतलब है मोकिंग और वी कैन नाट होल्ड इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हम रुक नहीं सकते तो वी शेल बी फ्लाउटिंग हमें मजाक बनाना ही पड़ेगा हमें ऐसे लोगों को देख कर हंसना ही पड़ेगा हम इसके बिना नहीं रह सकते वी कैन नॉट होल्ड विलियम गुड इवन ऑड्रे शाम की नमस्कार गुड इवनिंग होती है तो नमस्कार ऑड्रे ऑड्रे गुड ई गुड इवन विलियम तो नमस्कार ऑड्रे वो नमस्कार विलियम वो भी उसका जवाब देती है आ, वैसे आ, नमस्कार तो का क्या करते हैं हाय हेलो होती है ना तो आ, यहाँ पे हाय हेलो नहीं होती यहाँ गुड इवनिंग ही है आ, विलियम एंड गुड इवनिंग टू यू सर और आपको भी नमस्कार श्रीमान जी टच स्टोन गुड इवनिंग जेंटल फ्रेंड नमस्कार अच्छे दोस्त कवर दाई हैड अरे अपना सिर ढक लो यहाँ क्या होता है यूरोप में हैड उतार लेते हैं वो लोग हेड पहनते हैं ना तो किसी को सम्मान दिखाने के लिए वो लोग अपना हैट उतार लेते हैं तो यही विलियम ने भी किया है तो टचस्टोन उससे कह रहा है कवर दाई हैड कवर दाई हैड अपना सिर ढक लो यानी अपना हेड पहन लो जरूरत नहीं है ने प्रदी बी कवर्ड नहीं मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपना हैड पहन लो हाउ ओल्ड आर यू फ्रेंड तुम कितने साल के हो दोस्त विलियम फाइव एंड ट्वेंटी सर मैं पच्चीस साल का हूँ टच स्टोन अ राय पेज ये तो अच्छी खासी पकी हुई उम्र है यानी पच्चीस साल कोई छोटी उम्र तो होती नहीं इस दाई नेम विलियम क्या तुम्हारा ही नाम विलियम है विलियम विलियम सर हाँ जी श्रीमान जी विलियम ही मेरा नाम है टच स्टोन अ फेयर नेम अब काफ़ी अच्छा खासा नाम है वॉज इट बॉर्न इन द फॉरेस्ट क्या तुम इसी जंगल में पैदा हुए थे विलियम ए सर हाँ श्रीमान जी आई थैंक गॉड इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस जगह ही पैदा हुआ था टच स्टोन थैंक गॉड हाँ ईश्वर को धन्यवाद दो अ गुड आंसर एक अच्छा जवाब है आर्ट रिच क्या तुम पैसे वाले हो मतलब कि धनी हो विलियम फेत सर हाँ मैं सही कहता हूँ श्रीवान जी सो so, सो so, मैं ठीक ठाक हूँ मतलब मेरे पास ठीक ठाक धन है टच स्टोन सो सो इज गुड हाँ ठीक ठाक है तो अच्छा है वेरी गुड बहुत अच्छा वेरी एक्सीलेंट गुड बहुत ज्यादा अच्छा एंड येट इट इज नॉट और फिर भी ऐसा नहीं है इट इज़ बट सो सो ये बस ठीक ठाक ही है आर्ट दाव वाइज क्या तुम बुद्धिमान हो विलियम ए सर हाँ श्रीमान जी आई हैव अ मेरी बुद्धि काफ़ी अच्छी खासी है टच स्टोन वाई अच्छा क्यों तो तुम्हारा ये कहना है दाव से तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी बुद्धि अच्छी खासी है अच्छा आई डू नाउ रिमेम्बर अभी अभी मुझे याद आया अ एक कहावत द फूल डत थिंक जो मूर्ख है जो बुद्धू है वो ये सोचता है ही इज़ वाइज कि वो बड़ा बुद्धिमान है तो आ, आपने भी देखा होगा जितने बुद्धू लोग हैं उनको लगता है वो बड़े होशियार हैं बट द वाइज मैन नोज लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है हिमसेल्फ अपने आप को टू बी अ फूल कि वो मूर्ख है लेकिन जिनको ज़्यादा नॉलेज होती है जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको पता होता है कि वो वास्तव में कुछ भी नहीं जानते क्योंकि दुनिया में नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि कोई भी व्यक्ति सब कुछ जानने का दावा नहीं कर सकता सब कुछ जानने का दावा वही करता है जो बेवकूफ है है ना तो द फूल थिंग्स ही इज वाइज ये बड़ा मीनिंगफुल सेंटेंस है यानी बेवकूफ लोगों को लगता है कि वो बड़े बुद्धिमान हैं जबकि बुद्धिमान लोगों को लगता है कि वो बड़े बेवकूफ हैं द हीथन फिलासफ़र हीथन जो होते हैं पेगन लोग कहलाते हैं जो uh, बहुदेववादी होते हैं बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं तो जो हीथन फिलोसोफर है यानी जो पेगन बहुदेववादी फिलोसोफर है दार्शनिक है वैन ही हैड अ डिज़ायर जब उसको इच्छा हुई टू ईट अ ग्रेप एक अंगूर खाने की वुड ओपन हिज लिप्स तो वो अपने होंठ खोलेगा वैन ही पुट इट इन टू हिज माउथ जब वो उस अंगूर को अपने मुंह में रखेगा मीनिंग देयर वाई इसका मतलब ये होगा दैट ग्रेप्स वर मेड टू ईट के जो अंगूर हैं वो खाने के लिए बने हैं एंड लिप्स टू ओपन और जो होंठ हैं वो खोलने के लिए बने हैं तो ये कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस हैं जो टच स्टोन बोल रहा है कई बार आपको लगेगा कि कुछ मीनिंग समझ में नहीं आया तो टच स्टोन कभी कभी इसी तरीके के सेंटेंस बोलता है लोगों को जैसे अब सामने विलियम है तो विलियम को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरीके के सेंटेंस बोलता है यू डू लव दिस मेड क्या तुम इस लड़की से प्यार करते हो विलियम आई डू सर हाँ श्रीमान जी मैं करता हूँ टच स्टोन गेम मी योर हैंड मुझे जरा अपना हाथ दो आर्ट दाउ लर्नेड क्या तुम पढ़े लिखे हो विलियम नो सर टच स्टोन देन लर्न दिस ऑफ मी तो फिर अब मुझसे ये चीज सीख लो टू हैव इज टू हैव यानी जिसके पास है उसके पास है हमारे यहाँ कहावत है झगड़ा झूठा कब्जा सच्चा यानी जिसके पास जो चीज है उसी की हो गई जैसे अभी एक कानून भी था कि जो किरायेदार बहुत दिनों से किसी मकान में रह रहे हैं तो मकान उन्हीं का हो जाता है किराएदार का इसलिए अब रूल बना दिया है कि ग्यारह महीने का ही करार किया जाता है किराएदार से अगर लंबे समय से रह रहा है व्यक्ति तो उसका हो जाएगा मकान लेकिन ग्यारह महीने का करार फिर वो रिन्यू कराया जाता है तो टू हैव इज़ टू हैव यानी जिसके पास चीज है वो उसी की है फॉर इट इज़ अ फिगर इन रेटोरिक दैट ड्रिंक बींग पोर्ड आउट ऑफ अ कप इन टू अ ग्लास फॉर क्योंकि इट इज़ अ फिगर ये एक फिगर ऑफ स्पीच है एक अलंकार है कहने का तरीका है इन रेटोरिक रेटोरिक होती है आर्ट ऑफ स्पीकिंग बोलने की कला भाषण कला तो भाषण कला में ये एक अलंकार है दैट के ड्रिंक यानी कि शराब बींग पोर्ड आउट जब उसको उड़ेल दिया जाता है ऑफ कप इंटू अ ग्लास एक कप में से ग्लास में बाय फिलिंग दन तो एक को भरकर डथ एम टी दादर दूसरे को वो खाली कर देता है यानी बोतल से आप ग्लास में शराब डालोगे तो शराब ग्लास की हो गई और बोतल खाली हो गई फॉर ऑल योर राइटर्स टू कंसेंट दैट इप्स एज ही फॉर क्योंकि ऑल योर राइटर्स आपके सारे लेखक डू uh, कंसेंट इस बात पर सहमत हैं दैट इप्स इफ्से का मतलब है सक्सेसफुल सूटर यानी जो सफल प्रेमी है तो सफल प्रेमी वो है इज ही वही है मतलब जिसके पास प्रेमिका है लड़की जिसके पास है uh, तो सफल प्रेमी वही हुआ नाउ यू आर नॉट इप्से और अब तुम सफल प्रेमी नहीं हो फॉर आई एम ही क्योंकि सफल प्रेमी मैं हूँ लड़की मेरे पास है ऑर्डर मेरे पास है uh, विच ही सर आपका क्या मतलब है किस आदमी से आपका तात्पर्य है श्रीमान जी टच स्टोन ही सर वो आदमी श्रीमान जी दैट मस्ट मैरी दिस वुमन जो इस लड़की से इस महिला से शादी करेगा मेरा मतलब उस आदमी से है और वो आदमी मैं हूँ देयर फॉर यू क्लाउन इसलिए तुम मसखरे तुम जोकर अबेंडन अब तुम अपना दावा छोड़ दो विच इज इन वल्गर लीप जो कि वलगर मीन्स आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो लीव तुम छोड़ दो एवेंडन थोड़ा सा भारी शब्द हो जाता है तो टच स्टोन मतलब उसका मजाक बनाना चाह रहा है कि एवेंडन शब्द तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम्हें आम भाषा में समझाऊँ वलगर भाषा में यानी कि कॉमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो लीव छोड़ दो द सोसाइटी विच इन द बूरिश इज कंपनी द सोसाइटी मतलब संगति छोड़ दो इसका इस लड़की से मिलना छोड़ दो द सोसाइटी का मतलब यहाँ मिलना उस लड़की से मिलना छोड़ दो विच इज़ द बुरिश विच इज विच इन द बुरिश यानी वल का मतलब वही बलगर यानी जो कि आम भाषा में यानी अनपढ़ लोगों की भाषा में तुम्हारे जैसे अनपढ़ लोगों की भाषा में इज कंपनी उसको कंपनी कहते हैं यानी सोसाइटी तो बड़ा शब्द हो गया कंपनी कहते हैं तो संगति छोड़ दो इस लड़की के आ, का पीछा करना इसके आगे पीछे घूमना छोड़ दो ऑफ दिस फीमेल इस लड़की का अब फीमेल फिर से पढ़े लिखे लोगों का शब्द हो गया विच इन द कॉमन इज़ वुमन जो कि आम भाषा में कहूँ तो औरत शब्द है यानी इस लड़की इस फीमेल का पीछा छोड़ दो अगर फीमेल तुम्हें समझ में ना आए तो आम भाषा में मैं बता रहा हूँ कि इस लड़की का इस औरत का पीछा छोड़ दो विच टुगेदर इज़ और सब कुछ मिलाकर कहने का मतलब यह है एबेंडन द सोसाइटी यानि साथ छोड़ दो ऑफ़ दिस फीमेल इस लड़की का और क्लाउन दाई पेरिशेस्ट और नहीं तो क्लाउन मूरख दाओ तुम पेरिशेस्ट माने मारे जाओगे पेरिश माने नष्ट होना अब वो आ, पेरिश थोड़ा भारी भरकम शब्द हो गया अब टच स्टोन को लग रहा है कि इस बेवकूफ को पढ़े अनपढ़ आदमी को समझ में नहीं आएगा पेरिश वर्ड तो आ, और टू दाई बेटर अंडरस्टैंडिंग और तुम्हारी बेहतर समझदारी के लिए मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो आसान भाषा में बोलूँ तो डाइएस्ट तुम मारे जाओगे पेरिश समझ में नहीं आया तो तुम्हारे लिए सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि तुम मारे जाओगे डाइएस्ट और टू विथ आई किल दी या फिर मैं तुम्हारी बुद्धि को समझाऊँ आई किल दी मैं तुमको मार डालूंगा मेक दी अवे तुमको मतलब यहाँ से ख़त्म कर दूँगा ट्रांसलेट डाई लाइफ इन टू डेथ ट्रांसलेट मैंने अनुवाद कर दूंगा दाई लाइफ तुम्हारे जीवन का इन टू डेथ मौत में एक हमारे उर्दू बोलते थे एक सर तो वो इस वाले सेंटेंस को बोलते थे मैं तेरी जिंदगी का मौत में तर्जुमा कर दूंगा तो तर्जुमा उर्दू में ट्रांसलेशन को बोलते हैं और लाइफ ज़िंदगी हो गई डेथ मौत हो गई तो वो उर्दू बोलते थे तो बोलते थे मैं तेरी जिंदगी का मौत में तर्जुमा कर दूंगा और अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो मेरे तेरे जीवन का मृत्यु में अनुवाद कर दूंगा दाए लिबर्टी इंटू बॉन्डेज जो तुम्हारी आज़ादी है दाए मीन्स तुम्हारी लिबर्टी आज़ादी हिंदी में हम स्वतंत्रता बोलते हैं उर्दू में आज़ादी बोलते हैं मैं तुम्हारी आ, स्वतंत्रता का इंटू बॉन्डेज ग़ुलामी यानी परतंत्रता में बदल दूंगा तुम्हारी स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदल दूंगा अगर उर्दू में बोले तो मैं तुम्हारी आजादी को गुलामी में बदल दूंगा आई विल डील इन पॉइजन विद दी मैं तुम्हें जहर दे दूंगा आई विल डील इन पॉइजन विदी तुम्हें जहर दे दूंगा और इन बेस्टनेडो और इन स्टील जी ये बेस्टनेडो क्या है जो छड़ी है छड़ी से पीट पीट के मार दूंगा या तो तुम्हें जहर दे के मार डालूंगा छड़ी से पीट पीट के मार दूंगा और इन स्टील स्टील uh, मतलब कि तलवार से काट डालूंगा तुम्हें आई विद दी इनफेक्शन आई विल बैंडी मतलब मैं तुमसे तर्क करूंगा विद दी तुम्हारे साथ इन्फेक्शन मतलब कि जैसे पॉलिटिशियंस uh, लोग करते हैं वैसे मैं तुमसे uh, तर्क करूँगा और आई विल ओवर रन दी विद पॉलिसी मैं तुमको ओवर रन दी मैंने हरा दूँगा विद पॉलिसी मतलब कि अपनी uh, क्राफ्ट से अपनी चालाकी से पॉलिसी नीति होती है तो अपनी चालाकी से अपनी होशियारी से मैं तुमको हरा दूंगा मतलब हर तरीके से मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा तुम्हें मार डालूंगा तुम्हें चालाकी से हरा दूंगा आई विल किल दी मैं तुमको मार डालूंगा अ हंड्रेड एंड फिफ्टी डे वेज यानी सौ और पचास यानी डेढ़ सौ तरीकों से देयर फोर एंड डिपार्ट देर फोर इसलिए ट्रैम्बल तुम डर जाओ एंड डिपार्ट और यहां से भाग जाओ टेम्पल एंड डिपार्ट ऑड्रे डू गुड विलियम चले जाओ अच्छे विलियम ऑड्रे भी समझा रही है गॉड रेस्ट यू मैरी सर अब विलियम बेचारा देख रहा है मरता क्या ना करता क्या करे आ, वैसे तो आजकल लड़के भिड़ जाते हैं आपस में एक लड़की के पीछे आपने देखा ही होगा मर्डर हो जाते हैं तो अब लेकिन विलियम बेचारा चला गया गॉड रेस्ट यू मैरी सर ईश्वर तुम लोगों को खुश रखे और एग्जिट वो निकल जाता है एंटर कोरिन कोरिन प्रवेश करता है कोरिन आर मास्टर एंड मिस्ट्रेस सीक्स यू हमारे मालिक और मालकिन तुम्हें बुला रहे हैं कम अवे अवे जल्दी आओ जल्दी आओ टच स्टोन ट्रिप ऑर्डर ट्रिप निकलो ऑर्डर जल्दी निकलो आई अटेंड आई अटेंड मैं पीछे से आता हूँ पीछे से आता हूँ एक्सीडेंट और ये सब निकल जाते हैं छोटा सा सीन था यहीं समाप्त हो जाता है वीडियो भी मैं यहीं समाप्त करती हूँ धन्यवाद